हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगड़े एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो, जैसा कि हमने लास्ट दो तीन ICAR के जो कैसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपने डिस्कस किए थे, हमने ऑर्गेनिक के अंदर मैंने 20 से 22 क्वेश्चन आपको करवाए भी थे, ठीक है। आज मैं उसी ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन हैं नेमिंग रिएक्शन को मैं स्पेशली लेके चल रहा हूँ। फोकस यहाँ पे हम नेमिंग रिएक्शन पे कर रहे हैं ताकि जो हमारी जो नेमिंग रिएक्शन के जो जितने भी क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन हमारे क्या करेक्ट हो, ठीक है। आज मैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन के, और ये क्वेश्चन हमारा जो डिस्कस करें पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि किसमें किरेल कार्बन उपस्थित है, किसमें किरेल कार्बन उपस्थित है, ठीक है। मैं लगभग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस बना रहा हूँ वो आपको मतलब पूरी जैसे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं मतलब रिलेशन के रूप में आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मतलब अपनी जो क्वेश्चंस है वो आपके कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो आपको मैं पूरे के पूरे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, किरेल कार्बन है तो ये आपको क्वेश्चन पूछा है कि किसमें किरेल कार्बन उपस्थित है। अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा CH3 CH CH3 और CH2 OH, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ डी CH3 CH OH CH2 OH, ठीक है। मैं ऑप्शन आपको इसलिए दे रहा हूँ आप खुद से इनको प्रैक्टिस करो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आंसर बताने का कोई मतलब नहीं है आपको, आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अब आपको पता है किरेल कार्बन का मतलब क्या है कि जहाँ पे ऐसा आपको कार्बन देखना है जिसकी वैलेंसी चारों की चारों क्या हो अलग अलग हो, क्या कहलाता है, किरेल कार्बन कहलाता है, ठीक है। और जब किरेल कार्बन की बात की जाती है तो अपने प्रकाशिक समावयता की भी हम बात करते हैं, ठीक है, कि किरेल कार्बन है तो वहाँ पे प्रकाशिक समावयता भी आती है, या फिर असममित जो कार्बन आता है वो भी क्या आता है वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो की जाती है, प्रकाशिक समावयता शो की जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ज्यामिति समावेती शो करता है, मतलब मैं शॉर्ट लिख देता हूँ GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ये BHU एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ज्यामिति समावयता प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सेकंड ये हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड सी ये हमारा है इस टाइप का, ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी की हम बात करते हैं, CH3 CH CH2 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऑप्शन नंबर डी है। अब आपको पता है GI होने के लिए कंडीशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपके पास में जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि एल्कीन या फिर एजो कंपाउंड की बात की जाए, ऑक्सिम की हम बात करते हैं, वो क्या शो करते हैं, GI शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके साथ साथ देखो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इनके साथ में जो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं ये ग्रुप क्या होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। यदि इस ग्रुप सिमिलर है इसका मतलब GIP पॉसिबल है, नहीं होगी। ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कार्बन से जुड़े हुए जो भी अपने पास में वैलेंसी है उसकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वो अपने पास में क्या कहलाएगी, GI कहलाती है। तो आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपको GI के बेस पे आपको या तो इस टाइप से पूछ लेगा या फिर आपको क्या देगा, नेम दे देगा, और नेम देने के बाद में उसकी स्ट्रक्चर बनाने के बाद में अपन को आइडेंटिफाई करना है कि GI पॉसिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो आपको मैंने OI के संबंधित बताया, उसके बाद भी GI की बात की। क्वेश्चन नंबर 3 है नायलोन 66 है। किस टाइप का आपको यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ।
ठीक है, ये हमारे पास में या तो इस टाइप का है, एन का मतलब पॉलीमर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एन एच सी एच टू का होल फाइव सी डबल बॉन्ड ओ, इस टाइप का ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सी एच टू सी सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सी एफ टू एन, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि नायलोन 66 किसका पॉलीमर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक आपको ये भी याद रखना है, आपको दो एग्जांपल, दो इस टाइप को क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पॉलीएमाइड है, कौन सा पॉलिएस्टर है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा स्पेशली इसके ऊपर भी और फोकस करना है, ठीक है। देखो पॉलीएमाइड के अंदर मतलब ये इस टाइप का एमाइड ग्रुप होगा, ठीक है, अब ये इस टाइप का ग्रुप है इसका मतलब उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीएमाइड्स कहते हैं, और यदि जिनके अंदर एस्टर है तो उसको अपन क्या कहेंगे, पॉलीएस्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे डेक्रोन की बात करते हो, टेरिलिन की बात करते हो, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीएस्टर्स कहलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको और मॉडिफाइड करके पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमाइड का एग्जांपल है, कौन सा पॉलीएस्टर का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको नायलोन 66 के बारे में बताना है, इस टाइप से नायलोन 6 के बारे में आपको देखना है। नायलोन 6 होता है किसका पॉलीमर होता है, तो याद रखना कैप्रोलैक्टम का, ठीक है। तो हमने बात की नायलोन 66 की, उसके बाद में टेरिलिन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, टेरिलिन का आपको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टेरिलिन के साथ साथ आपको नायलोन 6 के बारे में भी याद रखना है। टेफ्लोन की बात करते हैं अपन, पीवीसी की बात करते हैं, तो ये पॉलीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ओलिफिन्स, ओलिफिन्स का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ओलिफिन्स, ठीक है, के बहुलीकरण, ओलिफिन्स के बहुलीकरण बहुलीकरण के लिए, ओलिफिन्स के बहुलीकरण के लिए उपयोग उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन सा है, उपयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है, ठीक है। आपको कैटलिस्ट बताना है कि ओलिफिन के जो पॉलीमरेशन की बात करते हैं, पॉलीमर की बात करते हैं, तो उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक, ठीक है, और जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है क्या है, टी आई सी एल फोर सी टू एच फाइव का होल थ्राइस एल्यूमिनियम, याद रखना जिगलर नाटा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद दूसरा विलिकिन्स उत्प्रेरक, विलिकिन्स उत्प्रेरक ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर सी पी डी उत्प्रेरक उत्प्रेरक उत्प्रेरक, ऑप्शन डी जायसे लवण उत्प्रेरक, जायसे लवण उत्प्रेरक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है जायसे लवण के बारे में और जिगलर नाटा के बारे में, दोनों आपको स्पेशल याद रखना है। ओलिफिन्स का मतलब कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड के लिए हम बात करते हैं, तो उसमें कौन सा अपन कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलोन 66 की हम बात की थी, हमें टेरिलिन की भी बात कर ले, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा टेरिलिन, टेरिलिन निम्न का पॉलीएस्टर, याद रखना पॉलीएस्टर, निम्न का पॉलीएस्टर, ठीक है, ये आपको बताना है टेरिलिन के बारे में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किस किस के द्वारा बनाए, पहला है एथिलीन ग्लाइकोल, फर्स्ट एथिलीन ग्लाइकोल प्लस प्लस टर्थेलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक एसिड, इन दोनों से बनाए, एक तो ये बताना है। दूसरा, ठीक है, दूसरा है मेलामाइन, मेलामाइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनाए, ऑप्शन सी वाइनिल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इससे मिलकर बनाए, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हेक्सामेथिल, हेक्सामेथिलीन, टिन डाइएमिन,
हेक्सामेथिलीन डाइएमिन प्लस एडिपिक अमल इनसे मिलकर बना, ठीक है। तो आपको बताना है टेरिलिन किससे मिलकर बना। टेरिलिन का दूसरा नाम है डेक्रोन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेशल आपको याद रखना टेरिलिन और डेक्रोन के बारे में, ठीक है। तो आपको दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेरिलिन के बारे में, और हमने बात की किसकी, हाँ उसकी नायलॉन 66 की भी बात की थी। नायलॉन 6 के बारे में याद रखना, नायलॉन 6 किसका है, कैप्रोलैक्टम का। तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं डिस्कस करके लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट कि जब एसीटामाइड की अभिक्रिया, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 plus कास्टिक सोडा के साथ करवाई जाती है तो बनता है इम्पॉर्टेंट, जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2 plus कास्टिक सोडा के साथ में करवाई जाती है तो इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी ब्रोमो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी है मेथिल एमिन, ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी है एथेन, ठीक है। तो ये आपको बताना है एसिटामाइड की अभिक्रिया जब Br2 प्लस कास्टिक सोडा के साथ में कराई जाती है तो इनमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास में बेंजीन या साइनाइड है, बेंजीन साइनाइड, ठीक है। इसके अभिक्रिया हम करवा देते हैं फर्स्ट एसन HCl के साथ में, इम्पोर्टेंट है याद रखना। उसके बाद में दूसरा NaNO2 प्लस में HCl, तो इसके दौरान यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये आपको देखो इसको ऐसे NaNO2 प्लस HCl भी लिख सकता है, ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HNO2 प्लस में NaCl, बात है कि दोनों में कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा बेंजीन, इसके ऊपर CH2 N2Cl, ठीक है, इस टाइप से इसको प्लस इसको माइनस दे देता हूँ। ऑप्शन सी बेंजील अल्कोहल, उसके बाद में सी ऑप्शन ये डाइजोनियम साल्ट N2Cl, ठीक है। उसके बाद डी है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा, SN प्लस HCl उसके साथ में NaNO2 प्लस में HCl, ठीक है। इसका आइडेंटिफाई करना है, जब भी आपको इस टाइप का पूछ लिया जाता है NaNO2 प्लस में HCl आ जाता है तो याद रखना वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो डाइएजो कंपाउंड बनेगा, डाइएजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि CH3CN मेथिल साइनाइड, और ये मेथिल साइनाइड ये सोडियम प्लस में एथिल एल्कोहल की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, रिडक्शन करेगा, अपचेन करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3CONH2 एमाइड बनेगा, ठीक है, या ऑप्शन बी CH3CH2NH2 एमीन बनेगा, ठीक है, या ऑप्शन सी वह है C2H6 एल्केन बनेगा, या फिर ऑप्शन डी CH3NH2 डिग्री एमिन बनेगा, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसिटिक एसिड उसकी अभिक्रिया हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पे ए क्या बनेगा वो बताना है, और ये ए I2+ में NaOH, याद रखा I2+ में NaOH जब भी इस टाइप की आ जाती है तो इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया है, आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में
या प्लस में बी क्या बनेगा ये बताना आपको, और उस बी की हमारे रिएक्शन किसके साथ में करा देते हैं, ए जी के साथ में, तो यहाँ पे सी क्या बनेगा, इस सी को आपको आइडेंटिफाई करना है। जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक बी और सी के बारे में पूछा है। मैंने इसको तीन रिएक्शन को ऐड किया है, पहले लिथियम एल्युमिनियम एक्सपायर के साथ में ए क्या बनेगा, उस ए के साथ में आपको इसको आइडेंटिफाई करना, इसके साथ में बी क्या बनेगा, फिर बी का इसके जी के साथ में सी क्या बनेगा आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट C2H5I एथिल हाइड्राइड, ऑप्शन बी C2H5OH एथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी CH2 एथीन, ऑप्शन डी CH3CO CH3 एसीटोन। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी यहाँ पे भी, ठीक है। हमने पूरा यहाँ से AG के साथ रिएक्शन वाला, ये तो जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था, I2 प्लस NaOH ये अपने जो हेलोफॉर्म की बात करते हैं तो उनके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इसमें से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कि निम्न में से कौन ठंडे तनुक्षार की उपस्थिति में सौता एल्डोल संघनन में भाग लेता है, इसको आइडेंटिफाई करना है। पहले एल्डोल संघनन आपको दोनों याद रखने हैं, एल्डोल के बारे में सौता है और क्रॉस के बारे में दोनों याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन है हमारा C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, दूसरा है हमारे पास में CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन CH ट्रिपल बॉन्ड सी, इसके बाद कर लेते हैं ऑप्शन डी CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेल्फ एल्डोल संघनन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्रॉस के बारे में और अपन एल्डोल के बारे में दोनों बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, देखो इनको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। इसी बीच में आपको मैं प्रैक्टिस भी हो जाएगी ताकि आप खुद से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कि इसके आंसर क्या आएंगे। उसके बाद में आंसर करने के बाद में आपको हमारे जो आर्य एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस है उसका टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम के थ्रू आप इसको सेंड कर सकते हो, मैं चेक कर लूँगा किसका कितना सही है, और जहाँ पे जो भी मिस्टेक होगी वो मिस्टेक मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो क्वेश्चन है कि जैसे फिनॉल, ठीक है, उसके बाद फिनॉल प्लस HCl प्लस HCN, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है हमारा इस टाइप से, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा और इस रिएक्शन का नेम क्या है, पहला नेम है परकीन अभिक्रिया, आपको बताना है कि ये परकीन अभिक्रिया है, ठीक है, या फिर सेकंड ऑप्शन आपको बताना है कि गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन ये कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी कि ये अभिक्रिया इसका नाम क्या है, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी ही अभिक्रिया, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की इस टाइप की, मतलब फिनॉल के भी HCl प्लस HCN के साथ में कराते हैं, किसके प्रेजेंस के अंदर, एनहाइड्राइड ZnCl2 के साथ में, तो हमको ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन कि एल्कोहल जो कमरे के ताप पर ZnCl2
प्लस कंसंट्रेशन HCl, अनहाइड्रस लिख दो आपको, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेशन HCl विलयन के साथ तुरंत अवक्षेप देता है, तुरंत अवक्षेप देता है, ठीक है। तो वह उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तुरंत अवक्षेप देता है, कौन देगा, तो हम पढ़ते हैं लुकास टेस्ट। देखो आपको समझ में आ रहा है, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में कंसंट्रेशन HCl, इसको अपन क्या कहते हैं, लुकास टेस्ट कहते हैं। और लुकास टेस्ट के अंदर आपको पता है कि 1 डिग्री देता है, 2 डिग्री देता है, 3 डिग्री देता है, कौन फास्ट देगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ, इनके ऑप्शन आपको मैं IPA के नेम के थ्रू लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, तो इसमें से कौन फास्ट देगा वो आपको लिख दे, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वन हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, फर्स्ट ऑप्शन वन हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ऑप्शन टू हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। ऑप्शन सी टू मेथिल प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ डी, वन हाइड्रोक्सी टू मेथिल प्रोपेन। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन यहाँ पे जो लुकास टेस्ट है उसके साथ में फास्ट एक्शन करना है। तो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से आपको बताना है कि कौन सा फास्ट करेगा। अब उसके बाद में पहचाना आपके पास में कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री, आप तो इस आधार पर निकाल सकते हैं लुकास टेस्ट के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में लुकास रिएजेंट क्या कहलाता है, तो ये आपको पता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में कंसंट्रेशन HCl को अपन क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, C6H5CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CHCHO, ठीक है, इस टाइप का है। यहाँ पे अक्ष लिख देता हूँ, ठीक है, ये अक्ष ये बनाता है C6H5, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, CH CH2H, मतलब जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट किस में गया, एल्कोहल के अंदर। तो आपको बताना है कि इसमें से अक्स क्या होगा, ये अक्स यहाँ पे क्या आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला लिख देता हूँ निकल प्लस में H2, ये आएगा। ऑप्शन बी लिख देता हूँ NaBH4 आएगा, ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन सी या फिर K2Cr2O7 कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, या फिर डी लिख देता हूँ A और B, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे अक्स क्या आएगा, ठीक है, इन चारों में से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए, यहाँ पे K2Cr2O7 और उसके साथ में डाइल्यूट H2SO4 यह बनाता है बी। उसके साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ CH3MgI, ठीक है, और इसके साथ में H2 भी लगा देते हैं, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा स्टेप से 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और ए लिख देता हूँ फर्स्ट यहाँ पे CH3CHOH CH3, कि या तो ये होगा, ठीक है, या फिर बी लिख देता हूँ CH3COCH3 यह होगा, ठीक है, या फिर C2H5OH यह होगा, या फिर डी CH3COOH यह होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ए क्या होगा, पहले इस ए के साथ रिएक्शन इसके साथ में ये बी बनेगा, फिर बी इसके साथ में ये बनाते हैं, तो इन चारों में से देखना है कि यहाँ पे ए कौन आएगा वो आपको बताना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद किया जाता है,
आपको बताना कि 1 डिग्री 2 डिग्री L और 3 डिग्री अल्कोहल में किसके द्वारा विभेदन कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। फर्स्ट अपना ऑप्शन है ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा, ऑक्सीकरण विधि के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा लुकास टेस्ट के द्वारा, लुकास परीक्षण के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा वह है विक्टरमेयर के द्वारा, याद रखना विक्टरमेयर, RBW टेस्ट, विक्टरमेयर विधि, रेड ब्लू एंड वाइट, ठीक है, विक्टरमेयर विधि के द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑल, ठीक है। इनमें से आपको देखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में हम किसके द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है, किन को द्वारा अलग कर सकते हैं। आपको विक्टरमेयर विधि आपको याद रखना, RBW और रेड ब्लू एंड वाइट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कथनांक का क्रम बताना आपको, ठीक है। अल्कोहल में जो बॉइलिंग पॉइंट है कथनांक का आपको ऑर्डर बताना है कि सबसे ज़्यादा किसका, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या तो ये होगा, ठीक है, ऑप्शन, या फिर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री यह होगा, ठीक है, या फिर सी 2 डिग्री का ज़्यादा, 1 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम, या फिर ऑप्शन डी कि 2 डिग्री का ज़्यादा, 3 डिग्री का उससे कम, सबसे कम किसका है 1 डिग्री का। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना किसका, अल्कोहल के अंदर 1 डिग्री का ज़्यादा है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री का ज़्यादा आपको बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिकर्मक फिनोल के साथ, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक फिनोल के साथ अभिक्रिया करने पर, फिनोल के साथ अभिक्रिया करने पर सैलिसिलडिहाइड देगा। मतलब कौन सा निम्न में से कौन सा अभिकर्मक फिनोल के साथ अभिक्रिया करने पर सैलिसिलडिहाइड देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH, या फिर दूसरा CCl4 प्लस में NaOH, दोनों इंपॉर्टेंट है याद रखा, ठीक है, इसके द्वारा प्रोडक्ट लगाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी CH2Cl2 प्लस में NaOH, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी CH3Cl प्लस में NaOH, मेथिल क्लोराइड प्लस में NaOH। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से इनमें से जो सैलिसिलडिहाइड देगा। एक तो देखो इन्हीं में रिएजेंट है, तो यहाँ पे देखो CCl4 प्लस NaOH के बारे में बता दूँ, यदि आप फ्री स्टेप का लिया तो वो देता है सैलिसिलिक एसिड, क्या देगा, सैलिसिलिक एसिड देगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें सैलिसिलडिहाइड कौन देगा, वो आइडेंटिफाई करना आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये C6H5OCH3, ये जेट एग्जाम के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन, प्लस में HI, ठीक है, और यहाँ पे इसको हीट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको इसको प्रोडक्ट बताना है। पहला C6H5I, ठीक है, उसके बाद में और C6H5I उसके साथ में प्लस CH3OH मेथिल अल्कोहल, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर है हमारा वो है C6H5CH3 उसके साथ में HY, मतलब ये दोनों प्रोडक्ट साथ बनेंगे। ऑप्शन सी C6H5OH, ठीक है, और उसके साथ में एंड CH3I ये प्रोडक्ट बनेंगे, या फिर डी C6H6Benzene उसके बाद में CH3OI, या फिर इनमें से प्रोडक्ट बने। तो आपको इनके साथ ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया की हमारे जो इसकी अभिक्रिया HI के साथ में कराते हैं, जो भी हीट करेंगे इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है HI के साथ में। जेट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल और इस फिनोल की अभिक्रिया जिंक के साथ में, चैडन के साथ हम करवा देते हैं, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना आपको। फर्स्ट
C6H6 बेंजीन ऑप्शन, C6H12 है ठीक है। उसके बाद में C6H5OCH3 ठीक है। उसके बाद में डी C6H5 डाइफेनल, आपको इनमें से बताना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH ठीक है। इसके अभिक्रिया हम करा रहे हैं HgSO4 उसके प्लस में H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे ए क्या बनेगा ये आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट CH3CH2COCH3 ये बनेगा ठीक है, या फिर ऑप्शन बी CH3CH2CH2CHO ये बनेगा ठीक है, या फिर ऑप्शन सी, तो ये बताना है कि CH3CH2CH2COH ब्यूटेनिक एसिड बनेगा, या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना ठीक है। उसके बाद देखो और भी क्वेश्चन है आपको, देखो मैं फिर से बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इनको खुद से तैयार करो, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आप एक बार देखना है आपको अच्छे से, और देखने के बाद में जो जितनी भी जो नेमिंग रिएक्शन है उसी नेमिंग रिएक्शन को मैंने किया है। अब देखो जो ये क्वेश्चन मैंने जो लिखाया है ये क्वेश्चन कुचरो रिएक्शन से है ठीक है, तो आपको देखो पता होनी चाहिए कि कुचरो रिएक्शन है क्या चीज़ ठीक है। तो कुचरो रिएक्शन के आधार पर आप निकाल सकते हो ठीक है। तो जो नेमिंग रिएक्शन है उसी की कभी कभार सीरीज बना दी जाती है, तो वो सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे इस टाइप से तैयार करने हैं। तो आपको एक बार खुद से इनको प्रैक्टिस करो, एक बार कोशिश करो इनको सोल्व करने की, और जैसे आपके सोल्व हो जाते हैं, सोल्व होने के बाद में आप मेरे को टेलीग्राम के माध्यम से हमारे इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम के ऊपर आप सेंड कर दो, मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा, जिसके अंदर जिस क्वेश्चन में जो डाउट्स हो गए वो डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूँगा ठीक है। तो आपको उनको एक बार प्रैक्टिस करना है, सोल्व करना है ईमानदारी से आपको ठीक है। उसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन, उसके बाद देखो क्वेश्चन RCOCl इंपॉर्टेंट है, ये भी RCOCl H2PDBSO4 के साथ में ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा वो प्रोडक्ट आपको बताना है ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन RCH2COH ठीक है, इस टाइप का बनेगा, या फिर RCOH एसिड बनेगा ठीक है, या फिर सी RCHO aldehyde बनेगा, या फिर डी RCH3 alkene बनेगा। इंपॉर्टेंट है, नेमिक रिएक्शन है ये भी ठीक है, H2+PDBSO4 तो याद रखना ये ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कैल्शियम एसीटेट को शुष्क गर्म करने पर प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम एसीटेट को आप जब गर्म करते हो तो उसके में क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। पहला एसिटैल्डिहाइड, कि एसिटैल्डिहाइड देगा ठीक है। ऑप्शन बी कि ये एथेन देगा ठीक है, या फिर ऑप्शन सी कि ये एसिटिक एसिड देगा ठीक है, या फिर ऑप्शन डी कि ये एसीटोन देगा। तो आपको ये बताना है कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ड्राई मतलब शुष्क गर्म करने पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि SnCl2 प्लस में HCl उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, का उपयोग किया जाता है कौन से अभिक्रिया में इसका उपयोग होगा ये आपको बताना है ठीक है। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ स्टीफन रिडक्शन ठीक है। फर्स्ट स्टीफन रिडक्शन, दूसरा है बी कैनिजरो, इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, स्टीफन एंड कैनिजरो रिएक्शन इसके अंदर यूज किया जाता है ठीक है, या ऑप्शन सी क्लेमेंसन, यह भी इम्पोर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन इम्पोर्टेंट। उसके बाद में रोजेनमुंड डी
रिडक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चारों के चारों नेमिंग रिएक्शन। तो आपको अच्छे से याद रखना इस चीज़ को, चारों नेमिंग रिएक्शन स्टेफन, क्लेमेंसन, कैनिजरो और रोजेनमोंट, क्या इसमें बनता है, क्या इसमें रिएजेंट लिया जाता है, इसमें क्या इसमें कैटलिस्ट होता है, आपको याद रखना है चारों की चारों नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट हमारा कि टोलुइन का क्वेश्चन, कि टोलुइन टोलुइन का क्रोमिल, का क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड, टोलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा द्वारा बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण, द्वारा बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कहलाता है। आपको पता है कि टोलुइन को क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा बेंजल्डिहाइड में चेंज करना ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, यह भी आपको बताना है। पहला कैनिजरो, कैनिजरो, ठीक है, ऑप्शन बी वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, ऑप्शन टी इटार्ड रिएक्शन, सी इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है इटार्ड, ऑप्शन डी राइमर्टिमान, राइमर्टिमान। अब आपको पता है कि केनिजरो में क्या था, राइमर में क्या था, वुड्स में क्या था, तो आप इजीली आप आंसर निकाल सकते हो इटार्ड के अंदर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है, फिनोल, उसके बाद नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ, इसको दो, इसको तीन, इसको चार। ठीक है, अब इसका एसिडिक ऑर्डर बताना आपको, अम्लीयक्रम, अम्लीयक्रम बताना है, फर्स्ट ऑप्शन कि तीसरा सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चौथा, उसके बाद पहला, उसके बाद में सेकंड, मतलब तीसरा सबसे ज़्यादा है या फिर उससे कम कौन सा है, फोर्थ उससे कम कौन है, वन उससे कम कौन है, टू, या फिर सेकंड ऑप्शन। एसिडिक ऑर्डर बताना आपको, ठीक है, ऑप्शन में चार, तीन, एक, दो, उसके बाद में सी, सी ऑप्शन में आपको बताना है कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में दूसरा, ये बताना है। डी में कौन सा है, डी में दूसरा, पहला, तीसरा या फिर चौथा, इनमें आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है। ठीक है, तो ये ऑर्डर बताना है, डिक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बेंजल्डिहाइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेंजल्डिहाइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा, की क्रिया द्वारा द्वारा बेंजिल एल्कोल, क्रिया द्वारा बेंजिल एल्कोल तथा बेंजिल एल्कोल तथा सोडियम बेंजोएट, तथा सोडियम बेंजोएट बेंजोएट प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया का नाम है, इस अभिक्रिया का नाम है, मतलब बेंजल्डिहाइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्रिया करके क्या बनाता है, वो बनाता है बेंजिल एल्कोल प्लस में सोडियम बेंजोएट बनाता है। इस अभिक्रिया का आपको नाम बताना है, इंपॉर्टेंट फिर से परकिन अभिक्रिया, ठीक है, बी कैनिजरो अभिक्रिया, ठीक है, कैनिजरो अभिक्रिया, ऑप्शन सी सैंडमेयर रिएक्शन, ऑप्शन सी सैंडमेयर अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन डी क्लेजन संघनन। ठीक है, यह आपको बताना है कि इस अभिक्रिया का नाम क्या है, जब बेंजिल एल्कोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजिल एल्कोल प्लस में सोडियम बेंजोएट बनता है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। पहला ऑप्शन आपको परकिन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन आपको कैनिजरो दे रखा है, थर्ड ऑप्शन आपको सैंडमेयर दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है क्लेजन संघनन दे रखा है। तो आप उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी हो सकती है रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कार्बोनिल यौगिकों में, कार्बोनिल यौगिकों में HCN का योग,
हाइड्रोजन साइनाइड का योग किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, ये आपको बताना है। पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ठीक है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद में है तीसरा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो कार्बोनिल कंपाउंड की एक्सचेंज के साथ में जो अभिक्रिया करवाई जाती है तो साइनोहाइड्रेट बनता है, वो किस टाइप की अभिक्रिया शो करता है, पहला अपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, तीसरा अपने बोला है और नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके बाद में चौथा है हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये बनाता है CH3CH क्रोटोनल्डिहाइड, इसको जब आप हीट करोगे, हीट करने के बाद में ये क्रोटोनिक एसिड बनाता है, क्या बनेगा, ऐसे क्रोटोनिक एसिड बनाता है। इसके अंदर यहाँ पे जो यहाँ पे ऑक्सीकृत करने के लिए जो यहाँ पे जो मैं ऐसे मार्क किया, ठीक है, इसको इसके यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इसको एक्स लिख देता हूँ, ये एक्स की जगह क्या आएगा पहले आपको बताना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्षारीय केमेनोफोर, कि बेसिक केमेनोफोर अपने यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन सेलेनियम ऑक्साइड SeO2 सेलेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी अमोनीकृत AgNO3, उसके बाद में डी ऑल। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करना है, एसिड के अंदर करना है, तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन अपन यूज़ कर सकते हैं, पहला है क्षारीय केमेनोफोर, दूसरा है हमारे पास सेलेनियम ऑक्साइड SeO2, थर्ड है हमारे पास में वो है कौन सा अमोनीकृत AgNO3, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास में कोल आपको बताना, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है, मैंने तीन चार रिएक्शन को एक साथ इंक्लूड किया, आपको आइडेंटिफाई करना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये क्लेमेंसन अपचेन द्वारा ये बनाते हैं एल्केन, या तो ये ऑप्शन बी। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड वोल्फ किसनर, आपको देखो इनके रिएजेंट याद रखना है, वोल्फ किसनर अपचेन द्वारा ये बनाता है एल्कोल, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद में सी, उसके बाद में कार्बोनिल कंपाउंड COCl कार्बोनिल, ये रोजेनमुंड अपचेन और इस अपचेन के द्वारा ये बनाता है CHO LDHD, ये बनाएगा, ठीक है। या फिर डी की बात करते हैं कि जो साइनाइड है, ये साइनाइड को क्या करेगा, स्टीफन रिडक्शन की हम बात करते हैं, और ये स्टीफन रिडक्शन से जैसे बनाता है CHO, ठीक है, LDHD। आप इन चारों में से देखना कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, क्लेजन समथिंग के अंदर जो भी जो रिएजेंट आता है आपको उनको याद रखना है कौन सा अपन यूज़ करते हैं, इसी टाइप से वोल्फ किसनर के अंदर अपन कौन सा यूज़ करते हैं उनको भी याद रखना है, रोजेनमुंड के अंदर अपन कौन सा यूज़ करते हैं कैटलिस्ट वगैरह उनको याद करना है, स्टीफन में हम कौन सा यूज़ करते हैं, उन चारों को यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि इनमें से ये अपचेन के द्वारा ये प्रोडक्ट बनती है या नहीं बनती, जो प्रोडक्ट जिस अभिक्रिया के द्वारा नहीं बनता वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि RMGS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके, मतलब RMGS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके प्रोडक्ट क्या देगा, ये आपको बताना है। पहला मैं बता दूं कि ये 3° अल्कोहल देगा, ठीक है, या फिर ये बी ऑप्शन दे दूं कि ये 2° अल्कोहल देगा, या फिर हम ऑप्शन दे देते हैं कि ये एसिटिक एसिड देगा, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, और ये हमें फोर्थ ऑप्शन दे देगी ये एसिटाल्डिहाइड देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि जो RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये किसके साथ में एसीटोन के साथ में अभिक्रिया करके किस टाइप का प्रोडक्ट देगा, ये मतलब या तो 3° अल्कोहल दे या फिर ये 2° अल्कोहल देगा
या फिर ये एसिटिक एसिड देगा या फिर एसिटाल्डिहाइड देगा, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो पिछले जो लास्ट क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कराए थे, वो आज जो क्वेश्चन कराए आप इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि जो नेमिंग रिएक्शन है वो लगभग नेमिंग रिएक्शन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। और इन्हीं नेमिंग रिएक्शन के अंदर से क्वेश्चन लगभग मतलब यहीं से पूछ लिया जाता है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो आपको एक बार इनको एक बार अच्छे से ट्राई करना नेमिंग रिएक्शन वाले की, ठीक है। और जो आंसर आते हैं वो आपको लिख के हमारे जो टेलीग्राम इंस्टीट्यूट के वाले उसी टेलीग्राम की जो लिंक है उस लिंक आप टेलीग्राम के ऊपर आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। जो भी जो क्वेश्चन के अंदर जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स आप पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।